हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रचना फ्रॉम जेसर ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.3 करेंगे। प्रैक्टिस सेट 4.3 थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है 4.2 का। 4.2 पे GST, CGST कैसे GST पे कैसे अमाउंट फाइंड करते ये सब के बेस पे था। 4.3 इस पे डिफरेंट है। इस पे हम लोग को FV, MV, शेयर्स ये सारी चीज़ों पे पूरा प्रैक्टिस सेट बेस्ड है। तो इस वजह से हम लोग को थोड़ा सा पहले इसके बेसिक्स करने पड़ेंगे, फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट पे आएंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट के लिए कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आए, कुछ नए वर्ड्स आए जो सुनने के लिए नया होगा, मतलब पहली बार सुना होगा कोई फर्स्ट टाइम या सुन चुका होगा। तो इसकी मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पेज नंबर 98 पे शेयर होल्डर, स्टॉक एक्सचेंज, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, ये सारे वर्ड्स का हम लोग मीनिंग समझेंगे, फिर आगे जाके हम लोग प्रैक्टिस सेट पे जाएंगे। ठीक है, तो ये पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट, शेयर होता क्या है। ठीक है, तो जब एक कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा जब कोई इंसान खरीदता है तो उसको शेयर खरीदना बोलते हैं। ठीक है, एक कंपनी का छोटा सा हिस्सा खरीदने को शेयर खरीदना बोला जाता है। ठीक है, अगर किसी ने कोई कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा शेयर खरीदा है, विच मीन्स वो कंपनी का उतना पार्ट ओन करता है। ठीक है, तो इसको शेयर बोलते हैं। ठीक है, अ शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैपिटल। कैपिटल मतलब यहाँ पे कंपनी की बात हो रही है कि सबसे छोटा यूनिट बोला जाता है शेयर को। ठीक है, द वैल्यू ऑफ शेयर इज प्रिंटेड ऑन द कंपनी सर्टिफिकेट विद अदर डिटेल्स एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ शेयर सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे बोला है कि जो इंसान शेयर खरीदता है ना किसी पर्टिकुलर कंपनी का, तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसका वो सर्टिफिकेट का नाम होता है शेयर सर्टिफिकेट। उसमें लिखा होता है कि इस इंसान ने इस कंपनी का शेयर खरीदा है। ठीक है, अब जो इंसान ने शेयर खरीदा है वो क्या हो जाता है, शेयर होल्डर। जिसने अ पर्सन दैट ओन्स द शेयर, जो पर्सन वो शेयर को ओन करता है, ठीक है, खरीद के रखा है, उसको शेयर होल्डर बोलेंगे। ठीक है, शेयर मतलब कंपनी की स्मॉलेस्ट यूनिट, कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा। ठीक है, शेयर होल्डर जो इंसान वो छोटे से हिस्से को, वो शेयर को खरीद लेता है, उसको बोलेंगे शेयर होल्डर। ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है। शेयर सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जिसमें डिटेल्स लिखा होता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स खरीदे, मतलब एज अ प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट, स्टॉक एक्सचेंज। तो बहुत सारे कंपनीज लोग के शेयर्स होते हैं, करेक्ट। तो ये बहुत सारे शेयर्स खरीदे जाते, बेचे जाते हैं। ठीक है, खरीदते, बाय सेलिंग होता रहता है। तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स टेक प्लेस, जहाँ पे शेयर्स को बेचा जाता है और जहाँ पे खरीदा जाता है। ठीक है, इतना समझने की जरूरत है। नेक्स्ट है एफ वैल्यू मतलब फेस वैल्यू। तो शेयर सर्टिफिकेट याद है, हम लोग ने अभी जो डिस्कस किया शेयर सर्टिफिकेट पे हर शेयर का एक पर्टिकुलर प्राइस होता है। ठीक है, तो जो शेयर का प्राइस है वो लिखा जाता है सर्टिफिकेट में। ठीक है, जो भी शेयर तुमने खरीदा है उसका प्राइस होता है, एक पर्टिकुलर प्राइस होता है, और वो प्राइस कहाँ लिखा होता है, शेयर सर्टिफिकेट में लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो जो प्राइस शेयर सर्टिफिकेट में लिखा होता है उसको बोला जाता है फेस वैल्यू। उसको क्या बोला जाता है, फेस वैल्यू। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, जो वैल्यू शेयर सर्टिफिकेट पर प्रिंट रहती है उसको बोला जाता है फेस वैल्यू ऑफ दी शेयर, मतलब जो दिख रहा है शेयर सर्टिफिकेट से तुम लोग को दिख रहा है कि ये उसका उतना प्राइस है, तो उसको बोलेंगे फेस वैल्यू। ठीक है, अब मार्केट वैल्यू। अब सपोज, तो मार्केट वैल्यू समझने के लिए ना थोड़ा सा बेसिक समझाना पड़ेगा। देखो, अभी सपोज बजाज है, ठीक है, बजाज कंपनी, और उसका एक शेयर का प्राइस, बजाज है उस कंपनी का एक शेयर का प्राइस है सपोज ₹100। ठीक है, एक शेयर का प्राइस है ₹100। एक शेयर लिया तो ₹100 पे करना पड़ेगा एक शेयर के लिए। सपोज ऐसा कुछ नहीं है, मैं सपोज करने बोल रही हूँ। ठीक है, तो ₹100 का शेयर है। तो आगे जाकर अगर कंपनी ग्रो करती है, अगर कंपनी बड़ी होती जाती है, प्रॉफिट कमाती है, ठीक है, तो वो जो ₹100 है ना उसका वो प्राइस ₹100 वो बढ़ जाएगा। वो 100 होके 150 हो सकता है, 200 हो सकता है, मतलब कहीं पे भी आगे जा सकता है। ठीक है, बट सेम अगर इसका वाइस वर्सा होता है, मार्केट बजाज क्या कर रही है, लॉस जनरेट कर रही है और नीचे गिर रही है कंपनी। ठीक है, तो वो जो फेस वैल्यू है ना, जो लिखा होगा वो ₹100 का शेयर, वो मार्केट में, ठीक है, हम लोग मार्केट में, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तुमने खरीदा आज ₹100 का शेयर, ठीक है, फेस वैल्यू आज है 100, ठीक है, आज है फेस वैल्यू कितना 100। बट सपोज नेक्स्ट, अगले दिन ही कुछ लॉस हो गया बजाज को, तो वही क्या हो जाएगा, मार्केट में उसकी वैल्यू गिर जाएगी। ठीक है,
अगर वही कुछ फायदा हो गया तो मार्केट में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू ये होता है, फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जो शेयर सर्टिफिकेट में ऑलरेडी प्रिंटेड है। ठीक है, द प्राइस एट विच द शेयर्स आर सोल्ड और परचेस्ड इन द स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में करेंटली स्टॉक मार्केट वो जो स्टॉक एक्सचेंज वाला है ना, वो मार्केट में ये शेयर, ये पर्टिकुलर शेयर कितने में बिक रहा है, कितने में खरीद रहे लोग, इस हिसाब से वैल्यू को डिस्कस किया जाता है कि वैल्यू कौन सा सूट करेगा। पहला ये फैक्टर डिसाइड करेगा, ठीक है, कि मार्केट में क्या चालू है, कैसे चालू, उस हिसाब से शेयर्स के प्राइस डिसाइड होंगे। और साथ ही साथ कंपनी कैसी परफॉर्म कर रही है, कंपनी अगर बेटर परफॉर्म कर रही है, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो शेयर्स के प्राइस खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। बट कंपनी सेम अगर कम मतलब बहुत नीचे जा रही है, बहुत लॉस एक्सपेक्ट कर रही है, तो क्या होगा, प्राइस खुद ब खुद नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग ने शेयर पढ़ा, शेयर होल्डर, स्टॉक एक्सचेंज, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, ये सबके बेसिक मीनिंग बता दिया मैंने। एक लास्ट पार्ट, डिविडेंड, द पार्ट ऑफ द एनुअल प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर अमॉन्ग द शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो शेयर होल्डर्स ने, जो लोगों ने, जो होल्डर्स ने शेयर खरीदा है, मतलब जो शेयर होल्डर्स है कंपनी के, उनको कंपनी क्या करती है, उनको साल में जितना भी प्रॉफिट होता है, उनको अगर साल में कंपनी को जितना भी प्रॉफिट होता है, उसका कुछ परसेंटेज अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है। क्या करती है, अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है। फिर से बताती हूँ, कंपनी अगर प्रॉफिट अर्न कर रही है, कंपनी अगर प्रॉफिट अर्न कर रही है और वो बोल रही है, वो अगर अच्छी कंपनी है तो वो बोलेगी कि मैं, हम लोग अपने प्रॉफिट से कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज निकाल के अपने शेयर होल्डर्स को देंगे, तो वो अमाउंट को बोला जाता है डिविडेंड। ठीक है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ये रीड करके नहीं समझ रहा है, ठीक है, लेकिन मैं जो एक्सप्लेन करी वो समझना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डिविडेंड तक हो गया, यहाँ तक हम लोग ने कॉन्सेप्ट पढ़े। ये देख लो, पेज नंबर 100 पे है, कंपैरिजन ऑफ एफवी एंड एमवी। एफवी मतलब फेस वैल्यू, एमवी मतलब मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो अगर एमवी एफवी से ज्यादा रहा, एमवी अगर कोई क्वेश्चन में तुम लोग ने देखा कि एमवी क्या है, एफवी से ज्यादा है, फेस वैल्यू से ज्यादा मार्केट वैल्यू, मतलब जितना लिखा हुआ था पेपर में उससे ज्यादा उसकी वैल्यू है मार्केट में, मार्केट में क्या है उसकी ज्यादा वैल्यू, तो वो जो शेयर है वो प्रीमियम पे है। कहाँ पे है, प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम मतलब उसका ज्यादा प्राइस हो रहा है, प्रीमियम पे। ठीक है, अगर एफवी और एमवी, एमवी जितना शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा था उतना ही मार्केट में भी वैल्यू चल रहा है, तो शेयर इज एट पार, मतलब दोनों इक्वल, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों जितना था, अभी कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। ठीक है, लेकिन एमवी अगर कम है एफवी से, ठीक है, मतलब शेयर सर्टिफिकेट में जितना लिखा था उससे भी कम है मार्केट वैल्यू, शेयर सर्टिफिकेट में कोई पर्टिकुलर शेयर का प्राइस था 100 रुपीज और मार्केट में उसका प्राइस है 80 रुपीज, मतलब एफवी बड़ा है, एफवी बड़ा है एमवी से, ये टाइम पे शेयर एट डिस्काउंट पे चलते हैं। कहाँ पे डिस्काउंट, मतलब यहाँ पे डिस्काउंट इन द सेंस कम हो रहा है प्राइस। ठीक है, प्रीमियम मतलब बढ़ रहा था, डिस्काउंट मतलब कम हो रहा है। ठीक है, एफवी कम, एफवी ज्यादा है और एमवी अगर कम है तो डिस्काउंट पे होता है, एमवी अगर ज्यादा है एफवी से तो प्रीमियम पे, और दोनों इक्वल है तो एट पार। ये याद करना है, ये क्या करना है, ये याद करना है, जो प्रैक्टिस सेट 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन ही है यही है। ठीक है, सो एमवी, इफ एमवी इज ग्रेटर देन एफवी, एमवी अगर ज्यादा है एफवी से तो शेयर इज एट प्रीमियम। यहाँ पे मैं डायरेक्टली बोल सकती थी कि इसको रट लो, बट मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया कि प्रीमियम होगा, प्रीमियम कब होगा, प्रीमियम तब होगा जब एमवी बड़ा होगा, जब मार्केट में उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और डिस्काउंट कब होगा, जब फेस वैल्यू, जब वो जो वैल्यू प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट है वो ज्यादा होगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, सम इन्वेस्टेड, ये बहुत यूज होने वाला है, यूजफुल सा फॉर्मूला है। सम इन्वेस्टेड, आपने एक कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया, इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या पता है, नंबर ऑफ शेयर्स, तुमने कितने शेयर्स खरीदे। देखो एक ही शेयर नहीं होता एक कंपनी के, बहुत सारे छोटे 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 हिस्से होते हैं, तो सम इन्वेस्टेड के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, कितने शेयर्स आपने खरीदे, कितने शेयर्स आप खरीद रहे हो इनटू उसका मार्केट वैल्यू क्या है, उतना होगा आपका सम इन्वेस्टेड। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, कर सकते हो। लास्ट पार्ट है रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज आरओआर। ठीक है, आपने पर्टिकुलर कुछ पैसा इन्वेस्ट किया तो आपको उसको रिटर्न में कितना मिल रहा है। ठीक है, जैसे आप बैंक में एफडी भरते, पेरेंट्स एफडी भरते होंगे कि आपने इतना पैसा दिया तो बैंक आपको रिटर्न में इतना पैसा एक्स्ट्रा ऐड करके देगी। ठीक है, एडिशनल चार्ज वो इंटरेस्ट डाल के देगी। ठीक है, सेम सिनेरियो शेयर्स में भी होता है, तो उसका रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला के लिए पेज नंबर 102 पे आना पड़ेगा। देखो यहाँ पे दिया हुआ है एक सोल्यूशन में, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू डिविडेंड इनकम। डिविडेंड मैंने बताया था, जब कंपनी अपने प्रॉफिट से कुछ परसेंटेज अपने शेयर होल्डर्स को देती है उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो रेट ऑफ रिटर्न अगर फाइंड करना है तो हम लोग को डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड क्या था,
नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एमवी, ये दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, फिर हम लोग को रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। यही था बेसिक सा। नेक्स्ट प्रैक्टिस एट 4.3, अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग सूटेबल नंबर्स एंड वर्ड्स, ठीक है। तो सबसे पहला बोला है एफवी क्या है, एफवी 100 है और शेयर पार पे, शेयर का है पार पे। तो हम लोग ने तीन चीज देखा था, व्हेन शेयर इज एट प्रीमियम, शेयर इज एट पार और शेयर इज एट डिस्काउंट, ठीक है। तो शेयर इज एट पार बोला, शेयर इज एट पार। अगर शेयर पार पे है तो क्या होगा, एफ वी और एम वी दोनों इक्वल होगा। एफ वी क्या होगा, एम वी के इक्वल होगा। तो एफ वी 100, तो एम वी कितना होगा, सेम 100, दोनों क्या होगे, इक्वल होगे। चेक कर लेना, लिखा था शेयर इज एट, इफ शेयर इज एट पार देन एफ वी इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। नेक्स्ट, शेयर इज एट प्रीमियम ऑफ रुपीज 500, तो शेयर प्रीमियम 500 ज्यादा है, शेयर इज एट प्रीमियम ऑफ रुपीज 500। अब इसको जरा समझो, शेयर इज एट प्रीमियम कब होता है, शेयर प्रीमियम पे कब होता है, जब एम वी ज्यादा होता है, जब एम वी ज्यादा होता है, जब एम वी ज्यादा होगा तब शेयर क्या होगा, प्रीमियम पे होगा, ठीक है। तो एम वी अगर 575 है, एम वी अगर 575 है तो एफ वी कितना होगा, ये पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग को ये तो समझ गया कि ये क्या है, प्रीमियम में, ठीक है, लेकिन कितने रुपीज प्रीमियम में, 500। मतलब एम वी यहाँ पे बड़ा ऑफकोर्स है एफ वी से, एफ वी से एम वी बड़ा है, लेकिन कितने अमाउंट में, 500 रुपीज से, ठीक है, 500 रुपीज ज्यादा है एमवी के पास, ठीक है। तो एफवी कितना होगा, 75, एफवी 75 है, ठीक है, और उसका शेयर कितना है, एमवी कितना है, 575, विच इज प्रीमियम ऑफ रुपीज 500। अब थर्ड वाला सिनेरियो देखो, एफवी रुपीज 10 है और मार्केट वैल्यू कम है, मतलब एफवी इज ग्रेटर देन एमवी, एफवी इज ग्रेटर देन एमवी। जब एफवी बड़ा होता है एमवी से, तब हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर इज एट डिस्काउंट, शेयर इज एट डिस्काउंट, ठीक है। अब सिर्फ डिस्काउंट लिख के नहीं छोड़ना है, देखो डिस्काउंट है, कितने का डिस्काउंट है, ये 10 है, ये 5 है, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस रुपीज 5, ठीक है, ये समझा। सेकेंड क्वेश्चन, मिस्टर अमोल परचेज 50 शेयर्स, ठीक है। मिस्टर अमोल ने कितने शेयर्स खरीदे, 50 शेयर्स खरीदे, ठीक है। फेस वैल्यू कितना था, ध्यान दो, फेस वैल्यू बोला है, फेस वैल्यू है 100 रुपीज, ठीक है, एक शेयर का फेस वैल्यू था 100 रुपीज। When the market value of the share is rupees 80, ठीक है, देखो ये अमोल ने जो शेयर्स खरीदे उसका फेस वैल्यू रुपीज 100 है और मार्केट वैल्यू है रुपीज 80। तो शेयर्स कहाँ पे, शेयर्स प्रीमियम पे है, पार पे है कि डिस्काउंट पे है। यहाँ पे एफ वी ज्यादा है एम वी से, एफ वी क्या है, ज्यादा है। तो एफ वी अगर ज्यादा हुआ तो शेयर्स क्या है, शेयर्स आर एट डिस्काउंट, शेयर्स आर एट डिस्काउंट। तो यहाँ पे शेयर्स डिस्काउंट पे। कंपनी हैड गिवन 20% डिविडेंड, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सारे सिनेरियो देने के बाद यहाँ पे बोला है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालो, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100, ये चाहिए, ठीक है। तो हम लोग पहले सारे चीजें लिख लेते गिवन जो भी दिया हुआ है। तो प्रैक्टिस एट 4.3 हम लोग को क्वेश्चन क्या बोला है, मिस्टर अमोल परचेस 50 शेयर्स, ठीक है, 50 शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, 50, ठीक है। हम लोग को एफ वी दिया विच इज फेस वैल्यू दिया रुपीज 100। यहाँ पे पूरे सम्स में ना रुपीज वाला साइन नहीं भूलना है, रुपीज डालना है, ठीक है। फिर मार्केट वैल्यू विच इज एम वी दिया रुपीज 80, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट बोला है कंपनी हैज गिवन 20% डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड भी दिया है। और क्या बोला है, फाइंड आर ओ आर विच इज रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, रेट ऑन इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न मतलब वही रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये सारी चीजें दी हुई है। अब हम लोग को पता है रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला, आर ओ आर का फॉर्मूला क्या है, देखो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला, डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इन 200, ये फॉर्मूला था हम लोग को, ठीक है। तो अगर हम लोग को रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है तो हम लोग को पहले डिविडेंड फाइंड करना पड़ेगा, सम इन्वेस्टेड फाइंड करना पड़ेगा, करेक्ट, ये दो चीजें पहले फाइंड करनी पड़ेगी, फिर हम लोग इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने को हम लोग को आंसर मिल जाएगा। तो देखो डिविडेंड कंपनी ने डिविडेंड दिया 20%, ठीक है। अच्छा नंबर ऑफ शेयर्स, सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या है, सम इन्वेस्टेड इक्वल्स टू, हम लोग ने देखा था नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू एमवी था, क्या था, एमवी, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू एमवी, एमवी क्या है, मार्केट वैल्यू, ठीक है, एमवी क्या है, मार्केट वैल्यू। तो जब भी हम लोग को सम इन्वेस्टेड फाइंड करना होगा, तभी हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स को, एमवी के साथ, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना था, 50 था, एमवी कितना था, एमवी था 80, ठीक है।
तो 50 × 80, 5 × 8 = 40 और 2 0, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सम इन्वेस्टेड कितना मिला, मुझे सम इन्वेस्टेड मिला ₹4000, मुझे सम इन्वेस्टेड कितना मिला ₹4000, ठीक है, ये सम इन्वेस्टेड हो गया। नेक्स्ट अभी डिविडेंड की बात करते हैं। देखो जैसे सम इन्वेस्टेड हमेशा सम इन्वेस्टेड में MV आएगा, वैसे ही डिविडेंड में हमेशा FV आएगा। कौन आएगा? FV। सम इन्वेस्टेड में हमेशा MV होगा और डिविडेंड में हमेशा FV होगा। तो डिविडेंड इनकम इज इक्वल्स टू, डिविडेंड इनकम कितना है? 20% ऑफ FV। किसका? मैंने क्या बोला अभी कि अगर हम लोग सम इन्वेस्टेड कैलकुलेट कर रहे तो हमेशा वो MV पे कैलकुलेट होगा, अगर हम लोग डिविडेंड इनकम कैलकुलेट कर रहे तो वो हमेशा FV पे ही होगा, ठीक है। तो 20% ऑफ FV, FV कितना है? 100 है, ठीक है। 20% ऑफ FV, FV 100 है, तो ये 100 कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 20 हो गया। अब देखो हम लोगों को कितना मिला, ₹20, ठीक है। अब ये जो डिविडेंड इनकम निकाला ना हम लोग ने, एक शेयर के लिए निकाला, कितने शेयर के लिए? डिविडेंड इनकम एक शेयर के लिए निकाला, डिविडेंड इनकम कितने एक शेयर के लिए निकाला? एक शेयर के लिए, ठीक है। ये 20% ऑफ FV, FV कितना है? एक FV का प्राइस कितना है? 100, ठीक है। एक शेयर के फेस वैल्यू का प्राइस है 100, लेकिन टोटल हम लोग ने कितने शेयर्स लिए? टोटल हम लोग ने 50 शेयर्स लिए, ठीक है। टोटल हम लोग ने 50 शेयर्स लिए, तो एक डिविडेंड, एक शेयर का डिविडेंड इनकम है ₹20, तो 50 शेयर्स का कितना होगा? ऑफ कोर्स 50 × 20, देयरफॉर डिविडेंड इनकम फॉर 50 शेयर, ये वन शेयर के लिए था, डिविडेंड इनकम फॉर वन शेयर, ठीक है, वन शेयर के लिए था। इसके लिए हम लोग फेस वैल्यू एक ही शेयर का फेस वैल्यू लिए, ठीक है। तो डिविडेंड इनकम फॉर 50 शेयर्स इज इक्वल्स टू 20 × 50, 5 × 2 = 10 और 2 = 0, विच इज ₹1000। अब यहाँ पे हम लोग के पास सारे कंपोनेंट्स आ गए, अब हम लोग रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हैं। अच्छा सुनो, डिविडेंड इनकम फॉर वन शेयर निकाल के ₹20 मिला, यहाँ पे स्टॉप करके ये वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट नहीं करना है, ठीक है। डिविडेंड इनकम यहाँ पे कितने शेयर से, जितने शेयर से उसका डिविडेंड इनकम चाहिए। यहाँ पे हम लोग ने एक ही शेयर का डिविडेंड इनकम निकाला था, तो हम लोग पूरे 50 शेयर्स का निकालेंगे, फिर उसमें सब्सटीट्यूट करेंगे। तो आर रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू, कितना रेट ऑफ रिटर्न? रेट ऑफ रिटर्न है डिविडेंड इनकम, डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। तो डिविडेंड कितना है? डिविडेंड है ₹1000 अपॉन सम इन्वेस्टेड है ₹4000 इनटू 100। तो ये जीरो, ये जीरो, दो जीरो यहाँ से कैंसिल, दो जीरो यहाँ से कैंसिल, एक जीरो यहाँ से कैंसिल, ठीक है। 4 × 4 upon 100 / 4 हो जाएगा 25, ठीक है। तो रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 25%, रेट ऑफ रिटर्न है 25%। तो लास्ट को लिखोगे देयरफॉर द रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 25%। सेकेंड क्वेश्चन ईजी था। थर्ड क्वेश्चन, जोसेफ परचेज फॉलोइंग शेयर, जोसेफ ने तीन कंपनी के शेयर्स खरीदे, जोसेफ ने तीन कंपनी के शेयर्स खरीदे, ठीक है, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, ठीक है। फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट, उसने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया, उसने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया। अब टोटल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या पूछ रहा है वो, उसने ये सारी चीजों में कितना सम इन्वेस्ट किया। अच्छा, सम इन्वेस्ट कुछ रिलेट अभी कुछ सुना सुना सा लग रहा है, हाँ, सम इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है, सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एमवी, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एमवी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंपनी में, सेकेंड कंपनी में और थर्ड कंपनी में, तीनों कंपनी में कितना सम इन्वेस्ट किया उसका टोटल करके लिखना है हम लोग को। तो कंपनी ए में पहले उसने 200 शेयर्स लिए, ठीक है, FV ₹2 है और प्रीमियम ₹18 है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग के लिए दिया, मैं एक्सप्लेन करूंगी। कंपनी बी में उसने 45 शेयर्स लिया, MV ₹500 है, ठीक है। क्या चाहिए हम लोग को सम इन्वेस्टेड फाइंड करने के लिए? नंबर ऑफ शेयर्स और MV, क्या चाहिए? नंबर ऑफ शेयर्स और MV। इसमें नंबर ऑफ शेयर्स भी दिया हुआ है, MV भी दिया है, ये दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। कंपनी सी से उसने एक ही शेयर खरीदा और वो एक शेयर था ₹10,540 का, ठीक है। अब देखो बी और सी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का सम इन्वेस्टेड निकाल सकते हो। ए में क्या प्रॉब्लम दे रहा है तुम लोग को? ए में FV दिया, हम लोग को चाहिए MV। ए में क्या दिया है? FV दिया है, लेकिन हम लोग को चाहिए MV। अच्छा, तुम लोग को ये पता है शेयर प्रीमियम पे कब होता है? शेयर प्रीमियम पे कब होता है? जब MV ज्यादा होता है, जब MV ज्यादा होता है। इसमें क्या किया था? इसमें क्या किया था? FV जितना है उसके साथ मैंने प्रीमियम ऐड कर दिया। अगर FV के साथ मैंने अगर प्रीमियम ऐड कर दिया तो क्या मुझे MV मिलेगा? हाँ, मुझे MV मिलेगा।
अगर मैंने एफवी के साथ प्रीमियम को ऐड कर दिया, एफवी के साथ क्या ऐड कर दिया, प्रीमियम, तो प्रीमियम को तो मुझे क्या मिल रहा है, एमवी मिल रहा है। तो क्या यहाँ पे मेरे पास एफवी है, क्या मेरे पास यहाँ पे प्रीमियम है, क्या मैं दोनों को ऐड करके मुझे एमवी मिलेगा? हाँ, मैं दोनों को अगर ऐड करती हूँ तो मुझे एमवी मिलेगा, ठीक है। तो क्या इस फर्स्ट वाले इंस्टेंस से हम लोग को एक नया फॉर्मूला मिल गया, एमवी इज इक्वल्स टू एफवी प्लस प्रीमियम? हाँ, मिल गया हम लोग को। अगर मुझे एमवी निकालना है तो मैं एफवी और प्रीमियम को अगर मैं प्लस करती हूँ तो भी मुझे एमवी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, कंपनी ए, पहले कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, सबका इंडिविजुअली सम इन्वेस्टर निकालेंगे, फिर तीनों कंपनी को क्या करेंगे, तीनों ए बी सी का सम इन्वेस्टर ऐड कर लेंगे, ठीक है, सबका सम कर लेंगे एक साथ। तो कंपनी ए, ठीक है, कंपनी ए में नंबर ऑफ शेयर्स कितने, नंबर ऑफ शेयर्स है 200। एफवी कितना है, एफवी है ₹2, ठीक है, और प्रीमियम दिया है, क्या दिया है, प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम कितना है, ₹18। तो हम लोग ने अभी एक नया फॉर्मूला हम लोग को पता चला, एमवी इज इक्वल्स टू एफवी प्लस प्रीमियम, क्या है, एफवी प्लस प्रीमियम, एफवी 2 है, प्रीमियम 18 है, तो एमवी मुझे क्या मिल गया, ₹20, ठीक है, तो एमवी मिल गया मुझे। क्या अब मैं कंपनी ए का सम इन्वेस्टेड निकाल सकती हूँ, ऑफकोर्स मैं निकाल सकती हूँ, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल्स टू एमवी इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, एमवी इक्वल्स इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, एमवी कितना है, एमवी है ₹20, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 200, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 और 3 0, ठीक है, तो ₹4000, सम इन्वेस्टेड कितना है, ₹4000, ठीक है, फर्स्ट कंपनी ए में, तो लिख लो, देयरफॉर जोसेफ इन्वेस्टेड ₹4000 इन कंपनी ए, लेकिन हम लोग को कंपनी ए का सम इन्वेस्टमेंट नहीं फाइंड करना, हम लोग को निकालना है टोटल इन्वेस्टमेंट, बी सी ए तीनों का एडिशन करके, ठीक है, तो कंपनी बी का निकालते हैं, कंपनी बी, इसका नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स है 45, ठीक है, और एमवी कितना है, एमवी है ₹500, तो यहाँ पे मैं सम इन्वेस्टेड निकालती हूँ, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल्स टू एमवी इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, तो 45 इंटू 50, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मिलेगा ₹22,500, ठीक है, तो कंपनी बी का भी सम इन्वेस्टेड, ये 45 इंटू 500 होता है 22,500, ये कंपनी बी का भी सम इन्वेस्टमेंट मिल गया। कंपनी सी का निकालते, कंपनी सी का तो बहुत इजी है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू 1, एक शेयर, नंबर ऑफ शेयर 1 है, और एमवी है 10,540, तो ऑफकोर्स इसका प्राइस तुम लोगों को भी पता चल गया होगा। तो सम इन्वेस्टेड इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्टली लिख रही, एमवी 10,540 इंटू 1, विच इज ₹10,540। अब मुझे क्या बोला था, मुझे बोला था टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी देफो टोटल इन्वेस्टमेंट बाय जोसेफ, टोटल इन्वेस्टमेंट बाय जोसेफ इज इक्वल्स टू सम इन्वेस्टेड इन कंपनी ए प्लस, सेम लिखना है, सम इन्वेस्टेड इन कंपनी ए प्लस सम इन्वेस्टेड इन कंपनी बी प्लस सम इन्वेस्टेड इन कंपनी सी, यहाँ पे मैं लेंदी में नहीं लिख रही, तुम लोग को लिखना है, ठीक है। तो सम इन्वेस्टेड इन कंपनी ए कितना है, सम इन्वेस्टेड इन कंपनी ए 4000 है, ठीक है, और बी कितना है, 22,500, तो 4000 प्लस 22,500 और प्लस क्या होगा, 10,540 प्लस 10,540, ये तीनों को सम अप करो, ये हो जाएगा 22 प्लस 10 32 36 37,040, तो ये हो जाएगा ₹37,040। देयरफॉर जोसेफ इन्वेस्टेड रुपीज़ टोटल 37,040 रुपीज़, ठीक है, ये लास्ट का स्टेटमेंट लिखना है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, श्रीमती देशपांडे परचेज शेयर ऑफ ₹5 ऑफ एफवी एट ₹5, ठीक है,
तो श्रीमती देशपांडे परचेज शेयर्स ऑफ FV ₹5 एट द प्रीमियम ऑफ ₹20। तो यहाँ पे 5 दिया है, ठीक है, FV दिया है और प्रीमियम दिया है, तो क्या मैं इसे MV निकाल सकती हूँ? ठीक है, मुझे FV दिया और प्रीमियम दिया है, तो क्या मैं MV निकाल सकती हूँ? ऑफकोर्स मैं MV निकाल सकती हूँ। MV क्या होता है? FV प्लस प्रीमियम। अभी हम लोग ने इससे पहले वाले सब में ट्राई किया। हाउ मैनी शेयर्स विल शी गेट फॉर ₹20,000? तो यहाँ पे पूछा है कि ये टोटल उसके पास 20,000 है, ठीक है, 20,000 उसने इन्वेस्ट किए, तो उसको टोटल कितने शेयर्स मिलेंगे? ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, लेकिन इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक तुम लोग को पूछा जाता है कि कितना सम इन्वेस्ट किया है, कितना सम इन्वेस्ट करना है वो बताओ। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर देते थे, MV देते थे और बोलते थे कितना सम इन्वेस्टेड कितना है वो बताओ। यहाँ पे ये ऑलरेडी सम इन्वेस्टेड दिया है, यहाँ पे ऑलरेडी सम इन्वेस्टेड दिया है, सम इन्वेस्टेड दिया है। हम लोग को फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ शेयर्स, हम लोग को फाइंड करना है नंबर ऑफ शेयर्स। तो इजी वाला सम है, बहुत इजी है, फोर्थ वाला। ठीक है, तो सबसे पहले फोर्थ में हम लोग लिखेंगे, क्या दिया हम लोग को? FV दिया है। क्या दिया हम लोग को? FV कितना है? FV है ₹5। प्रीमियम भी दिया है। क्या दिया है? प्रीमियम भी दिया है। प्रीमियम कितना है? ₹20। तो क्या मैं ये दोनों से MV निकाल सकती हूँ? ऑफकोर्स मैं निकाल सकती हूँ। MV इज इक्वल्स टू FV प्लस प्रीमियम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 + 20 विच इज इक्वल्स टू ₹25। तो क्या मुझे MV मिल गया? हाँ, मुझे MV मिल गया। ठीक है, और मेरे पास सम इन्वेस्टेड है। क्या है मेरे पास? सम इन्वेस्टेड, टोटल सम इन्वेस्टेड कितना है? ₹20,000। ठीक है, मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ शेयर्स। मुझे क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ शेयर्स। तो हम लोग का जो बेसिक फॉर्मूला है वही हम लोग यूज करेंगे। कौन सा वाला पता है? सम इन्वेस्टेड इज इक्वल्स टू क्या था हम लोग का? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू MV, यही था फॉर्मूला। ठीक है, क्या हम लोग के पास MV है? हाँ, MV है। क्या हम लोग के पास सम इन्वेस्टेड है? हाँ, हम लोग के पास सम इन्वेस्टेड है। ₹20,000 है हम लोग के पास इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है वही फाइंड करने बोला है। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है वही फाइंड करने बोला है। ठीक है, तो यही वाले फॉर्मूले से हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स के लिए आंसर निकालेंगे। देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स और MV मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगर मैं MV को राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लूँ तो क्या वो डिवाइड होगा? ऑफकोर्स वो डिवाइड होगा। सो सम इन्वेस्टेड अपॉन MV, ये क्या हो गया? डिवाइड हो गया, इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स। तो मुझे नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, सम इन्वेस्टेड कितना है? ₹20,000। ठीक है, सम इन्वेस्टेड ₹20,000 और MV कितना है मेरा? मेरा MV है ₹25। तो अगर मैं ये दोनों को डिवाइड करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स। तो 25 8 8 200 होता है, 25 8 200 होता है और दो जीरो बचे, मतलब 800। तो वो 20,000 से, तो क्वेश्चन क्या बोला था? कितने शेयर्स वो खरीद सकती है 20,000 से? तो ₹20,000 से वो 800 शेयर्स खरीद सकती है। श्रीमती देशपांडे, लास्ट का स्टेटमेंट लिखना है, देफो श्रीमती देशपांडे कैन परचेस 800 शेयर्स विथ ₹20,000। ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है इसके। श्री शांतिलाल हैज परचेस 150 शेयर्स ऑफ FV ₹100। तो मिस्टर शांतिलाल जी ने कितने शेयर्स खरीदे? 150 शेयर्स खरीदे। FV कितना है वो शेयर्स का? वो FV है ₹100। MV कितना है? MV है 120। क्या FV MV से छोटा है, मतलब क्या MV बड़ा है? ठीक है, MV बड़ा है FV से, करेक्ट। MV अगर बड़ा होगा तो शेयर्स कैसे होते? शेयर्स आर एट प्रीमियम। शेयर्स कहाँ पे? प्रीमियम पे होते हैं। ठीक है, कंपनी हैज पेड डिविडेंड एट 7%। कंपनी ने डिविडेंड पे किया 7% पे। फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा पूरा, ये पूरा फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है। ठीक है, बस उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में MV कम था, इसमें MV ज़्यादा है। ठीक है, बट सेम है। अच्छा, रेट ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेट ऑन रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है? हम लोग को चाहिए होता है सम इन्वेस्टेड और चाहिए होता है डिविडेंड इनकम। सम इन्वेस्टेड और डिविडेंड इनकम। तो सम इन्वेस्टेड किस पे होगा? सम इन्वेस्टेड होगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू MV। डिविडेंड इनकम क्या होगा? डिविडेंड इनकम होगा FV पे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ सम कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला है? नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? नंबर ऑफ शेयर्स है 150। ठीक है, FV दिया है मुझे, FV दिया है ₹100। MV भी दिया है मुझे, ठीक है, MV भी दिया है मुझे, कितना है? ₹120। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स दिए, FV दिए, MV दिए, करेक्ट। मुझे फाइंड करना है, मुझे कंपनी ने डिविडेंड भी दे रहा है, कंपनी
डिविडेंड इक्वल्स टू 7%। डिविडेंड कितना है, रेट ऑफ डिविडेंड 7%। डिविडेंड कितना है, 7% रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो मैंने क्या बोला, पहले ही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए दो चीज चाहिए, पहला है डिविडेंड इनकम, दूसरा है सम इन्वेस्टेड। ठीक है, सबसे पहले सम इन्वेस्टेड निकालते हैं। सम इन्वेस्टेड इक्वल्स टू MV इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, MV कितना है मेरा 120, MV है मेरा 120 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स है मेरा 150। तो 120 इंटू 150 अगर किया तो मिलेगा ₹18,000 विच इज 18,000। ठीक है, सम इन्वेस्टेड मिल गया, अब मैं निकालूंगी डिविडेंड इनकम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिविडेंड इनकम फॉर वन शेयर, एक शेयर के लिए कितना डिविडेंड मिल रहा है वो निकालेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे हम लोग ने फर्स्ट सम के साथ किया सेम। ठीक है, डिविडेंड फॉर वन शेयर डिविडेंड का रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 7%। तो 7/100 इनटू, मैंने बोला था डिविडेंड हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। तो FV 7/100 इनटू FV क्या है 100, तो दोनों 100 कैंसिल। तो एक शेयर का डिविडेंड मुझे कितना मिल रहा है 7 रुपीज़। अगर मुझे डिविडेंड फॉर वन शेयर 7 रुपीज़ मिल रहा है तो मुझे डिविडेंड फॉर 150 शेयर्स कितना मिलना चाहिए, 150 इंटू 7। तो डिविडेंड फॉर 150 शेयर्स इज इक्वल्स टू 150 इंटू 7। ये दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिविडेंड फॉर 150 शेयर्स। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे मिलेगा ₹1,050। ठीक है, तो टोटल डिविडेंड मेरे को कितना मिल रहा है, डिविडेंड इनकम मुझे मिल रहा है 1050, सम इन्वेस्टेड मिल चुका है। ठीक है, दोनों को सब्सटीट्यूट करेंगे फॉर्मूला में तो क्या हम लोग को आंसर मिल जाएगा, हाँ हम लोग को आंसर मिल जाएगा। तो रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड। ठीक है, इनटू 100, सम इन्वेस्टेड इनटू 100। डिविडेंड इनकम कितना है मेरा, डिविडेंड इनकम है 1050। गलती से भी ये वाले डिविडेंड इनकम को कंसिडर नहीं करना क्योंकि ये एक शेयर का डिविडेंड इनकम है। ठीक है, हम लोग को टोटल 150 शेयर्स के कितने डिविडेंड है वो लिखना है। तो डिविडेंड इनकम कितना है 1050 अपॉन सम इन्वेस्टेड कितना है, सम इन्वेस्टेड यहाँ 18,000 इनटू 100। ठीक है, तो ये जीरो कैंसिल, सेम यहाँ पे भी जीरो कैंसिल, 105 डिवाइडेड बाई 18। तो अगर मैं 105 डिवाइडेड बाई 18 करूँ तो मुझे मिलेगा 5.83333। ठीक है, रिकर होगा 5.8333 रिकर होगा, तो 5.83% कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को रेट ऑफ रिटर्न कितना मिला 5.83%। देयरफॉर द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी 5.83%। ठीक है, ये हम लोग का फिफ्थ सम भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ वाला, ये थोड़ा सा हटके थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी तक जैसा इजी था वैसा इजी है ये, बट इसमें थोड़ा सा सोच के करना है। ठीक है, इफ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर इज सेम, दो कंपनी के शेयर्स के फेस वैल्यू सेम है। ठीक है, कंपनी ए और कंपनी बी दो कंपनी है, दोनों कंपनी का जो फेस वैल्यू है ना, दोनों कंपनी के फेस वैल्यू शेयर्स के फेस वैल्यू सेम है। ठीक है, फेस वैल्यू सेम है, देन विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल। तो दोनों में से अगर दोनों का FV विच इज फेस वैल्यू सेम है तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। अच्छा देखो, अगर ये ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ऐसे क्वेश्चन में ना कभी भी क्या फाइंड करना होता है, रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, जितना ज़्यादा, रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ही क्या होता है, कितने परसेंटेज में रिटर्न हम लोग को अमाउंट मिल रहा है। ठीक है, तो जो कंपनी ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न दे रही होगी दूसरे कंपनी के कंपैरिजन में, वो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी। सपोज बस इमेजिन करो, सपोज कंपनी ए ज़्यादा प्रॉफिटेबल, कंपनी ए का ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है और कंपनी बी का थोड़ा कम आ रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिटेबल कंपनी ए होगा। यहाँ पे मैंने बस बताया सपोज। ठीक है, मेरे को भी आइडिया नहीं है, सम करेंगे तो पता चले कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो इन शॉर्ट मैं क्या बताना चाहती हूँ कि हम लोग को अगर निकालना है कि कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना पड़ेगा, किसका, कंपनी ए का और कंपनी बी का। ठीक है, मुझे MV दिया है, डिविडेंड दिया है, बट मुझे FV नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन मुझे बोला कि दोनों का FV जो है, दोनों का FV क्या है, सेम है, दोनों का FV सेम है। तो यहाँ पे FV फाइंड करने बोला है क्या, नहीं बोला FV फाइंड करने, तो हम लोग को FV यहाँ पे फाइंड नहीं कर रहे, हम लोग फेस वैल्यू फाइंड नहीं कर रहे,
बस लेकिन हम लोग को ये चीज़ ज़रूर दिया है कि फेस वैल्यू दोनों का क्या है, सेम है। तो देखो हम लोग कैसे करेंगे वाले सम को। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू दैट इज एफ वी बी रुपीस एक्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को फेस वैल्यू दिया नहीं था, इसके लिए हम लोग ने क्या कंसिडर कर लिया, फेस वैल्यू क्या कंसिडर कर लिया, एक्स। ठीक है, क्या कंपनी ए का फेस वैल्यू एक्स है? हाँ, कंपनी ए का फेस वैल्यू एक्स है। क्या कंपनी बी का भी फेस वैल्यू एक्स है? हाँ, कंपनी बी का भी फेस वैल्यू एक्स है। कैसे दोनों का फेस वैल्यू सेम है? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि दोनों के कंपनी के फेस वैल्यू सेम है। ठीक है, अब कंपनी ए की बात करते हैं, कंपनी ए की बात करते हैं। ठीक है, कंपनी ए क्या है? कंपनी ए के लिए हम लोग को क्या निकालना है, रेट ऑफ रिटर्न। हम लोग को क्या निकालना है, रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे कंपनी ए का पहले रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेते हैं। रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू डिविडेंड, डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड इनटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के पास डिविडेंड निकालना है, फिर सम इन्वेस्टेड निकालना है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में शेयर्स कितने हैं, क्वेश्चन में कितने शेयर्स है वो दिया ही नहीं है, क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स दिया ही नहीं है। ठीक है, तो जब ऐसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स कितना है नहीं दिया होता है, तो उसको हम लोग सिर्फ वन शेयर कंसिडर करेंगे, कितना शेयर, एक ही शेयर ऐसा कंसिडर करेंगे। ठीक है, जब कुछ भी शेयर्स के रिलेटेड नहीं दिया हो कि कितने शेयर्स है, ठीक है, तब हम लोग वन कंसिडर करेंगे। तो ये वाले सिनारियो में भी हम लोग सम इन्वेस्टेड में नंबर ऑफ शेयर्स वन कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो सम इन्वेस्टेड कितना आएगा, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल्स टू एम वी इंटू नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, एम वी कितना है, एम वी है हम लोग का फर्स्ट कंपनी का 80 रुपीस इंटू नंबर ऑफ शेयर वन। तो ठीक है, सम इन्वेस्टेड मिला मुझे 80। ठीक है, ये वाला स्टेप नहीं करके डायरेक्टली सम इन्वेस्टेड पे 80 रुपीस लिखोगे चलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला स्टेप ना करके यहाँ पे ये 80 रुपीस डायरेक्ट सम इन्वेस्टेड पे लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, डिविडेंड, डिविडेंड कितना होगा, डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल्स टू कितना परसेंट है, डिविडेंड, डिविडेंड है 16%, 16% मतलब 16/100। डिविडेंड किस पे निकालते हैं, एफ वी पे, एफ वी क्या हम लोग का एक्स, तो मुझे मिल गया 16x/100। अब मैं फॉर्मूला पे पुट करूंगी। ठीक है, तो आर ओ आर ये शॉर्ट फॉर्म है, तुम लोग को फुल फॉर्म में लिखना है। रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू डिविडेंड, डिविडेंड क्या है मेरा 16x, ये ऐसा नहीं आएगा 16x/100। ठीक है, अपॉन सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड है 80। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, क्या किया मैंने, ये मेरा डिविडेंड इनकम था, देखो डिविडेंड इनकम, ये मेरा सम इन्वेस्टेड था और ये मेरा 100। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया रेट ऑफ रिटर्न का। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में है और देखो 18 यहाँ पे न्यूमरेटर में, तो ये दोनों को मैं कैंसिल कर सकती हूँ, 8 1 8 2। ठीक है, क्योंकि 16 देखो न्यूमरेटर में है और 80 कहाँ पे, डिनोमिनेटर में, तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। तो ये 8 1 8 2 16, तो क्या बचा है यहाँ पे, मुझे मिल रहा है 2x अपॉन 100। देखो 80 पूरा कैंसिल हो गया, 0 यहाँ से कटा, 8 यहाँ से कटा, तो 2x/100 इंटू 10 ये मिल रहा है, करेक्ट। 2 1s और 2 50s 100 होता है, 2 1s और 2 50s है, तो क्या मिल रहा है मुझे, x/50 × 10। यहाँ पे मैं कैसे कट होगा इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम लोग कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, x/50 × 10, तो ये x/50 × 10 था, तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिल रहा है, x/5%, क्या मिल रहा है, x/5%। ठीक है, ये कंपनी ए का है, कंपनी बी का निकालते हैं। ठीक है, कंपनी बी का निकालते हैं, कंपनी बी में सेम मैं फॉर्मूला नहीं डाल रही, तुम लोग को फॉर्मूला डालना है। ठीक है, तुम लोग फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो और लिखना, मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर रही हूँ। डिविडेंड, डिविडेंड क्या होगा, कंपनी बी का डिविडेंड क्या होगा, कंपनी बी का डिविडेंड होगा 20% ऑफ फेस वैल्यू, कितना है फेस वैल्यू x, तो कितना होगा 20x/100। सम इन्वेस्टेड में क्या आएगा, सम इन्वेस्टेड में आएगा एम वी, एम वी है 120, एम वी कितना है ₹120। ठीक है, मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, सो आर ओ आर इज इक्वल्स टू कितना आएगा, पहला डिविडेंड इनकम, तो 20x/100/120 × 100। ठीक है, यही था करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया, 4 3s are 12 और 4 5s are 20। ठीक है, क्या मिल रहा है यहाँ पे मुझे, 5/100/3 × 10 यही मिल रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग ने डिवाइड किया तो ये मुझे मिल गया 5x/100 / 3 ×
10, ठीक है। अब देखो न्यूमरेटर में है ये और ये डिनोमिनेटर में, सॉरी यहाँ पे 5 न्यूमरेटर में और ये भी न्यूमरेटर में। देखो समझ के करना है इसको ऐसे कैलकुलेशंस, ये 5 न्यूमरेटर में और 10 भी न्यूमरेटर में, तो क्या न्यूमरेटर न्यूमरेटर कैंसिल होगा? नहीं होगा। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होगा, 10 में से यहाँ से एक जीरो कैंसिल होगा यहाँ से, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमरेटर में। देखो ये वाले इक्वेशन को देखो, ये वाले रेशियो को देखो, इसमें 100 डिनोमिनेटर में, करेक्ट। क्या इसमें 10 न्यूमरेटर में? हाँ। तो क्या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कैंसिल हो जाते? हाँ हो जाते, ठीक है। तो जीरो और जीरो कैंसिल हो गया इस तरह से, 5 1 5 2 जा, ठीक है, 5 1 5 2 जा, तो ये मिल गया मुझे 2x/3। तो ये क्या हो जाएगा, 5 1 5, तो ये हो जाएगा 2x। फिर से मैं क्लियरली दिखाती हूँ, देखो ये था हम लोग का 5x/100 और ये 3 × 10, यही था हम लोग का, करेक्ट। तो ये 10, ये 100 डिनोमिनेटर में और ये 10 न्यूमरेटर में, इस वजह से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5x/10, तो 5 1 5 और 5 2 10, 5 1 5 और 5 2 10, तो बचा क्या हम लोग का, 1 1/2x/3, ये है, ठीक है। अब देखो ये न्यूमरेटर में है x, x क्या है, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 2 है, सेम डिनोमिनेटर में भी 3 है, तो हम लोग इसको, मैं ऐसा 2 और 3 को ऐसा इसको मैं ये कर लूँगी, रेसिप्रोकल कर दूंगी, इसको मैं ऐसा लिख लूँगी 1/2x, ठीक है। इसको क्या लिख लूँगी मैं, 1/2x/3, ठीक है। क्या किया मैंने, 1/2x था ना, तो मैंने उसको प्रॉपरली 3 के साथ ला दिया, तो 1/2 × 3 और ये x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 × x और 2 3 6, ठीक है, तो x/6%, ठीक है। अब देखो कंपनी ए में मुझे कितना मिला था, x/5%, और कंपनी बी में मुझे मिल रहा है x/6%। रेट ऑफ रिटर्न कंपनी ए में मुझे x/5% मिल रहा था और कंपनी बी में x/6। तो जो लोग बोल रहे कि कंपनी बी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, जो लोग बोल रहे कंपनी बी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, वो लोग गलत बोल रहे। क्यों पता है? क्योंकि देखो सपोज एक नंबर है, ठीक है, सपोज एक नंबर है थर्टी, ठीक है, 2 बार 30, और 30 को डिवाइड कर रही हूँ मैं 5 से और 30 को डिवाइड कर रही हूँ मैं 6 से, ठीक है। यहाँ पे जो x है वो सपोज 30 है, अभी के लिए सपोज करो, ठीक है, यहाँ पे जो x है वो अभी के लिए 30 है, तो 5 6 30, तो यहाँ पे मुझे आंसर 6 मिल रहा है और यहाँ पे मुझे आंसर मिल रहा है 5, यहाँ पे मुझे आंसर मिल रहा है 5, ठीक है। तो ज़्यादा कौन सा बड़ा है, ज़्यादा ये वाला बड़ा है, ठीक है, ज़्यादा ये वाला बड़ा है जिसमें 5 था, तो इसमें से ज़्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। जितना बड़ा नंबर से कोई नंबर को डिवाइड करोगे ना, जितने बड़े नंबर से कोई नंबर को डिवाइड करोगे उतना ही कम आंसर आएगा, ठीक है। सपो जितने यहाँ पे कम नंबर थे, कम छोटा नंबर था, तो जब तुम लोग इसको छोटे नंबर से डिवाइड करोगे उसमें ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो मैं देयरफॉर लास्ट में लिखूंगी कि देयरफॉर कंपनी ए इज़ मोर प्रॉफिटेबल, कंपनी ए इज़ मोर प्रॉफिटेबल, क्यों? क्योंकि इसका रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या कंप्लीट किया, यहाँ पे हम लोग का 4.3 का 6 क्वेश्चंस थे, जिसमें 4.3 में टोटल 6 क्वेश्चंस थे और वो 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए।